अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मुझे किसी भी तरह रजत के कोर्ट से बंदूक निकालनी होगी, वरना पूरा प्लान फेल हो जाएगा। भाभी, हमें आपसे कुछ बात। नंदिनी, ये क्या हरकत है? अनमोल, क्या हुआ? अरे, हम तो बस मृदुला की एक्टिंग कर रहे थे, वो ऐसी चिल्लाती थी। हाँ, हम तो बस आप सबको हंसाना चाहते थे, वरना हम तो अपनी नंदिनी को कभी ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। नंदिनी, तुम्हें हमसे कुछ काम था ना? चलो। जी भाभी। रानी माँ, विदाई का समय हो रहा है, तो अभी पूजा कर लेते हैं। एक मिनट रजत। जी रानी माँ। बेटा, पूजा है घर में, इन कपड़ों में पूजा करोगे? अच्छा सा कुर्ता पजामा पहन के आओ और ये कोट हमें दे दो। पर रानी माँ, ठीक है, मैं उतार। अपनी दादी को थोड़ा लाड़ तो करने दो। लेकिन जाओ जल्दी आओ। जी। अनमोल, ये लो, रजत का कोट है, संभाल के रख दो। आइए, पूजा के लिए चलते हैं। कैसा लग रहा हूं मैं? बहुत सुंदर। अब लग रहा है कि पूजा के लिए तैयार हुए हो। हाँ,
भैया हम समझ सकते हैं कि आप इस समय किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। हम तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो वहां नीचे होना चाहिए ना, उदय भैया के पास। भैया भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपको यहाँ यहाँ से तकलीफ में नहीं छोड़ सकते भैया। सच में आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आपने अपनी नंदिनी के लिए इतनी बड़ी जंग लड़ी और वो देखिए अब वो आपके और वो आपके साथ भी नहीं है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। हम नंदिनी खुद अब उदय भैया और ये बात तुम बोल रही हो, तुम तो खुद ही हर बार उदय भैया के साथ खड़ी होती हो। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अच्छे से जानते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ सच का साथ देते हैं। माना हमें उदय भैया से लगाव है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम खुश हैं। उदय भैया ने जो आपके साथ किया वो बहुत बुरा किया। उन्होंने जिस तरीके से नंदिनी को आपसे छीना वो बहुत गलत है भैया, बहुत गलत। माना वो बड़े भाई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो अपने छोटे भाई की सारी खुशियां छीन लेंगे। उदय भैया ने आपसे वादा किया था ना कि नंदिनी को आपको सौंप देंगे, पर देखिए ना वो अपने वादे से वो कर गए। भैया कभी कभी हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, शायद आप भी वही कर रहे थे। भैया जैसे हम रजत जी से प्यार करते हैं, ठीक वैसे ही आप भी नंदिनी से प्यार करते हैं। जब हम अपने रजत जी को किसी और के बाहों में नहीं देख सकते तो फिर आप कैसे देख सकते हैं? हम क्या करें? हम अब तो नंदिनी भी उदय भैया को चाहने लगी है। क्या ये उसने आपसे कहा? भैया प्यार दिखाने में और प्यार करने में दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। नंदिनी तो सिर्फ दिखा रही है कि वो उदय भैया से प्यार करती है, लेकिन असलियत में तो आज भी उसके दिल में आप बसते हैं। अमू किसने कहा तुमसे? नंदिनी ने कहा ऐसा? करीबी रिश्तों में हर बार सिर्फ कहा या सुना नहीं जाता, समझा भी जाता है। और नंदिनी को देखिए, उसकी तो आंखों में झलक रहा है कि वो अब भी आपसे ही प्यार करती है। इसीलिए बचा लीजिए अपने प्यार को। हम भी नंदिनी को पाना चाहते हैं, उसे अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है हम आखिर करें तो क्या?
अगर हम होते ना तो हमारे प्यार को जिसने भी छीना होता उससे हम मार डालते हैं और छोड़ते भी नहीं। इजाजत दीजिए, हमें चलने का वक्त हो गया। हम भी बेटी का ध्यान रखना। चले हमारी बहन का ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम यहाँ हैं तो फिर वहाँ महाराजा जी के साथ कौन थी? हमें धोखा दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमारे राजा जी के पास जाना ही होगा। कहीं हमारा सपना सच तो नहीं होने वाला? हमारे रजत जी को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। रजत जी, नहीं, हम हार नहीं मान सकते। हम रजत जी के पास पहुंच कर ही रहेंगे। जिसने भी हमें यहां इस काल खोटरी में धकेला ना, शायद वो जानता नहीं है कि हम अनमोल हैं। हम तो सीमेंट से बनी जमीन को भी तोड़ सकते हैं, फिर ये लोहे से बनी संजीर क्या चीज है? हम यहां से निकल कर रहेंगे। बिजली के जैसा बोल है तू। अब तो हम इसे छोड़ेंगे ही नहीं। मार दिया हमें। कोई बात नहीं अनमोल, तू कर सकती है। बंद करो अपनी ये नौटंकी। चंदनी सिर्फ हमारी है। अजय, ये का बदतमीजी है। गई की ऐसे क्या दीवार से चिपकी हुई है? आ जा नीचे, उठ तक गया हमें।
शीट कहेंगे, ऐसा नहीं उतरेगी ना। कोई बात नहीं, हम भी अनमोल हैं, हम भी ढीठ हैं, हम तुझे नीचे उतार कर रहेंगे। क्या करते हैं? क्या पागलपन है? बंदूक नीचे करो। बंदूक नीचे तभी होगी जब हमें नंदनी मिलेगी। क्या कर रहा है? बंदूक नीचे कर। आप तो बीच में ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। रजत जी, हटिए सामने से। नहीं हटूंगा। क्या करोगे? जी हमने कहा हटिए। के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते तुम, समझे? हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम बस अपना प्यार वापस ले रहे हैं। यहां से मैं बाहर निकलूंगा। बंदर होते ना तो भी ऐसी चढ़कर हम निकल जाते। बंदर ही तो क्या, अनमोल तो है ना। नहीं, हम हार नहीं सकते। हम रजत जी के पास जा कर रहे। कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी जिंदगी की तकरार है। कभी गुस्सा है, कभी प्यार है, कभी जिंदगी की तकरार है। बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। अजय, अजय जो भी बात है आराम से बैठकर की जा सकती है। कोई बात आराम से नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। अब नंदनी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। ये नंदनी तय करेगी कि उसे किसके साथ जाना है। तुम नहीं। रजत जी, अब कोई भी कुछ तय नहीं करेगा। नंदनी हमारे साथ ही जाएगी और जो भी बीच में आएगा मेरी गोली खाएगा।
औरत कौन है? बोरी लेगी। ए, रुक।